हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन यानी कि 27 दिसंबर 2019 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन फिंड के बारे में। दोस्तों, WWE का अगला पेपर यू है रॉयल रंबल, जिसमें यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड उनका यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करेंगे। और उनका मैच किसके साथ होगा उसके लिए इस हफ्ते स्मैकडाउन में ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, जिसमें जीतने वाला नंबर वन कंटेंडर बनेगा यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए। और ये मैच होगा बैरन कॉर्बिन, द मिज और डैनियल ब्रायन के बीच में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डैनियल ब्रायन नए लुक में रिटर्न आए, इसलिए रॉयल रंबल 2020 में डैनियल ब्रायन ही चैलेंज करेंगे फिंड को यूनिवर्सल टाइटल के मैच में। और इसलिए ये ट्रिपल थ्रेट मैच में डैनियल ब्रायन जीतेंगे द मिज और बैरन कॉर्बिन को हराकर। और दोस्तों, मैच के बाद फिंड अटैक कर सकते हैं डैनियल ब्रायन पर। पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में लेसी वांस और साशा बैंक्स का मैच हुआ था, जिसमें दोनों डबल काउंट आउट हो गई थी, इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इन दोनों का फिर से रीमैच हो सकता है। और लेसी वांस बेली को भी चैलेंज करेंगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और इन दोनों का मैच WWE फिक्स कर देंगे रॉयल रंबल 2020 में। दोस्तों, पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में ब्रॉन स्ट्रोमन ने शिंस्के नाकामुरा से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। पर जब सैमी ज़ेन, सीज़ारो और शिंस्के नाकामुरा मिलकर द न्यू डे पे अटैक कर रहे थे, तब न्यू डे को बचाने ब्रॉन स्ट्रोमन आ गए। और इसलिए अब इस हफ्ते के स्मैकडाउन में शिंस्के नाकामुरा और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत पाएंगे या नहीं, और ब्रॉन स्ट्रोमन और शिंस्के नाकामुरा के मैच में कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं द बिग डॉग रोमन रेक्स के बारे में। द रिवाइवल और डॉल्फ ज़िगलर ने बैरन कॉर्बिन की मदद करके रोमन रेक्स को TLC 2019 में हरवा दिया। पर दोस्तों, रोमन रेक्स हार मानने वालों में से नहीं है। वो इस हफ्ते के स्मैकडाउन में बैरन कॉर्बिन, डैनियल ब्रायन और मिस के मैच में इंटरफेयर करके बैरन कॉर्बिन पे अटैक कर देंगे। और अगर डॉल्फ ज़िगलर और द रिवाइवल बीच में आते हैं तो रोमन रेक्स उन पे भी अटैक करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेक्स इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनका बदला बैरन कॉर्बिन और उनकी टीम से ले पाएंगे या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, गोल्डबर्ग ने अभी हाल में ही स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें अंडरटेकर के साथ फिर से रीमैच चाहिए, क्योंकि कि जब सुपर शोडाउन 2019 में इन दोनों का मैच हुआ तो गोल्डबर्ग के सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो वो जल्दी WWE में रिटर्न आ सकते हैं ये अनाउंस करने के लिए कि उन्हें अंडरटेकर के साथ फिर से फाइट करना है। तो दोस्तों, क्या आप गोल्डबर्ग और अंडरटेकर का फिर से मैच देखना चाहते हो या नहीं, और अगर इन दोनों का फिर से मैच हुआ तो कौन जीतेगा। और दोस्तों, इस हफ्ते का स्मैकडाउन इंडिया में सैटरडे 28 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।